ब्रो भाई ब्रातसियो भाई जान सो स्वागत है तुम्हारा पोकेमोन डार्क वॉरशिप के एक और एपिसोड में जहाँ पर पिछली बार अगर तुमको याद हो तो हम आ गए थे इस वाले केव में जो कि लाइक बर्फ से घिरा पड़ा है। अब तुमको जाना है आगे और तुमको ये शैतान ग्रुप का लीडर दिख लीडर तो नहीं एक्चुअली गारंटी होगी कोई मेरे ख्याल से यप यप लोरी डोरी डीना। चलो भाई यहाँ पे थोड़े मोरे ग्रंट्स को हमको हराना है फिर आगे जाके देखना है कि क्या हमारे ये पता नहीं भाई जब भी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ मेरा डिवाइस मेरा पीसी कोई वायरस क्यों डिटेक्ट करता है यार मेरे को पता है नहीं है यार मतलब अपने गेम्स को ये वायरस बना रहे हैं। माय गॉडनेस ये दोबारा कमज़ोर निकला भाई। चलो जो भी है ओके यहाँ पे थोड़े आइस पजल्स होने वाले मज़ा आता है यार इनको करने में। ये तो भाई वैसे बहुत सिंपल है कुछ था ही नहीं यहाँ पर ओके बिकॉज दैट यूची बैरी ओके जो भी है वो। चलो भाई यहाँ पे जूबैट्स वगैरह काफ़ी तंग करते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेनर्स मिलेंगे यार वही बूढ़े वाले गैंग के इस गेम में मैंने अभी तक एक बार भी रीपल यूज़ नहीं किया यार पोकेमोन भगाओ यंत्र शायद से पता नहीं अब तुम में से कोई मेरे को वीडियो ला के दे देगा कि ये देखो यहाँ पे तुमने ये यूज़ किया था मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी कम किया है मैंने। लेट्स डू इट लेट्स गो सर। वैसे सर मेरे को नहीं करना चाहिए था क्योंकि उतना कुछ फ़ायदा तो था नहीं उसको करने का। ऐसा भी है मेरे ख्याल से इसके पास लेविटेट भी हो सकता है तो सर्व करना ज़्यादा लाइक सेफ रहेगा ओके मैंने ये रीज़न बाद में सोचा एक्चुअली। ऐसा मैं करता क्या हो ना पहले अपना पोकेमोन चेंज कर लूँ। अरे यार मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ एक तो कभी कभी ये बटन्स काम नहीं करते मेरे को नया कीबोर्ड भी लेना पड़ेगा। ड्रैकोजोल्ट को मैं आगे इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि भाई ये बहुत कमज़ोर है यार ये लड़ नहीं पाता ठीक से बट चलो ठीक है ड्रैकोजोल्ट अभी थोड़ा दम दिखा दे यार 45 पे पहुंच गए हो तो। ओह माय गॉश गलत जगह आ गया मैं स्टीलियम जी ओके मैं इधर से ही आया था मेरे को इधर जाना है क्या नहीं यार मेरे को जाना किधर है फिर। माय गुडनेस इधर भी रास्ता बंद है व्हाट द हेक मैं उधर कैसे जाऊँगा। अच्छा 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 मे बी उधर साइड से कोई रास्ता होगा केव का। आई मीन टू से कि हम इधर गए थे इधर साइड भी तो रास्ता है केव का हमको इधर जाना चाहिए था। हेलो अंकल जी क्या हाल चाल मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी ठंडी लगने वाली है गो अहेड ओके ये होता है ना जब भी तुम्हारा तबीयत खराब होने वाला रहेगा ना कभी कभी तुमको खुद पता चल जाएगा कि नहीं अब मेरा तबीयत खराब है भाई कुछ भी कर लो मैं मतलब जैसे मेरे को सर्दी वगैरह होता है तो कंठ में वो चीज़ पता चलती है ऑलरेडी हम लोग को। ओह माय गॉश वहाँ पे वो है मेरे को उधर साइड से जाके लेना पड़ेगा। चलो भाई नासा वाले बहुत खतरनाक है। ओह माय गॉश मैं अभी फ्लाइंग टेप वाला कर सकता हूँ जी मूव वो मेरे को एक बार में तो नहीं हराएगा ना स्क्राफ्टी काफ़ी खतरनाक पोकेमोन है यार डार्क एंड फाइटिंग है वो तो वो भी है। देखो मैं ट्रिक बताता हूँ एक तुम क्या करना इधर से ये क्लिक कर लेना और इसके जगह पे थंडर सॉक स्विच कर दो। अब देखो एरियल एस को हम जी मूव की तरह यूज़ कर सकते हैं यार यहाँ पे बस स्विच करना है तुम एक दो बार कुछ कुछ बटन्स क्लिक करके देखना जिससे मूव स्विच होता होगा स्विच करके देखना मस्त मज़ा आएगा तुमको मेरा स्पीड डाउन कर दिया मेरे ख्याल से उसने सो डाई ट्राई इट आई डोंट थिंक सो। परिंदा आ जा भाई तो पेंट भी बहुत कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे को। अरे मैं टॉक्सिक क्यों कर रहा हूँ व्हाट द हेक मेरे को ये तो करना ही नहीं था मेरे को ये करना था। चलो भाई जो भी है ओ गैंगर गैंगर साहेब आप आई हो डेस्टिनी बोर्न नो ओह माय गॉश आई शुड डू दिस। चलो भाई बहुत ही अच्छे देन नहीं यार अरे यार परिंदा खुद पेंट हो जाएगा इस गैंगर के बच्चे का स्पीड इतना ज़्यादा क्यों है यार अरे यार क्या बोला इसने डोरा इज़ अ मास्टर ऑफ आर्ट मटेरियल डू यू नो व्हाट माय फेवरेट मूवीज इट्स वर्डोरा हैरी पॉटर पता नहीं मैंने देखा नहीं हैरी पॉटर वगैरह तो मुझे इधर नहीं जा सकते अब कोई बात नहीं मैं उन सब चीज़ों में मतलब मैं क्या बताऊँ वो सब मैं ज़्यादा देख नहीं पाया क्योंकि टाइम की कमी थी थोड़ी सी जिंदगी भर टाइम की कमी थी। वैसे मैंने टाइम दिया है टाइम हमने दिया है एनिमे की तरफ तो ज़्यादा हम उधर देखे हैं काफ़ी सारे एनिमेज वगैरह देख रखा है मैंने। बॉलीवुड भी कम देखा है साउथ के मूवीज़ थोड़े से देखे ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं मेरे को मूवीज़ वगैरह में ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कुछ डार्क थीम वाला जब आता है ना तब वो अब उनका इंटरेस्ट खींच लेता है। आई मीन या मैं ऐसा ही हूँ डिस्गस ओके नो प्रॉब्लम सैडोस निकले ले भाई। चलो बहुत ही अच्छे
ओके लेट्स गो, उधर से चलना चाहिए इधर। लेट्स सी, इधर तो उधर से आए थे भाई, मेरे ख्याल से हमको उधर से जाना चाहिए था, बट चलो ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ इधर से ही जाके। कौरसेला, ओह माय गॉड, भूतिया कौरसेला है यहाँ पे। अब मैं किसको लाऊं यार, डर लग रहा है मेरे को। स्नोरलैक्स के पास उसका बॉडी स्लैम तो काम करेगा नहीं यार। चलो भाई मुर्गेसुर, पावर जेम, ओह नो। ओके मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं तो ब्लेज किक के लिए आया था। आई थिंक मेरे को फिर से ट्रिक अपनानी पड़ेगी अपनी। हम लोग पहले यहाँ पे स्विच कर लेते हैं ब्लेज किक में, और ये मेरा गंदा चाल है। आई स्वेयर अभी से मैं नॉर्मल बैटल्स में यूज़ नहीं करूँगा, जिम बैटल्स में थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ये ना। इसका आई ऊपर कट काम नहीं कर रहा क्या? नहीं यार, फाइटिंग टाइप मूव है, कैसे काम करेगा? ब्रेव बर्ड नहीं करना यार, मेरा भी हल जाएगा। अच्छा ये ऐसे ही चला गया, जी मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमको। नहीं मैंने चीटिंग नहीं किया गाइस, ये ऐसे ही जा रहा है यार, इसमें मेरी क्या गलती? समझ जाओ हमने कुछ नहीं किया। ओके ओह मैं एंड पे पहुंच भी गया, मुझे लगा तो नहीं था मैं पहुंच जाऊंगा इतनी जल्दी। ड्रैगन है तो स्टील टाइप है, क्या टाइपिंग है इसकी यार? ग्राउंड तो नहीं दिख रहा वहाँ पर, ऐसे ड्रैगन एंड स्टील दिख रहा है मेरे को, शायद से वही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुर्गेसुर तो सही रहेगा भाई। फिर ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ड्रैगन ही, अच्छा गोस्ट रिप्रेजेंट करता है ना। अच्छा, और फिर वो स्टील नहीं है तो क्या है भाई? गोस्ट एंड ग्राउंड है, ये गोस्ट एंड फेरी है, फेरी का तो पिंक रहता है वैसे, गोस्ट एंड क्या था यार ये? ओके नेवर माइंड, तुम बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं भूल गया थोड़ा सा। क्या मैं बताऊँ, मेरी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अरे यार मैंने इसको क्यों लाया, थंडर पंच काम नहीं करे, अच्छा बैड टेरेंट्रम तो काम करे। लेविटेट आता है उसको, माय गॉड दैट्स नॉट गुड। अब इसके पास कोई मूविच नहीं है जो उस पर करे हम चेंज, तो ऐसे ही हमको करना पड़ेगा। ये ले भाई इलेक्ट्रो बॉल, डिस्कस, डिस्कस फेल हो गया, शैडो क्लॉ करना पड़ेगा अभी तो। हेक्स, ओह नो, ये ले बहुत अच्छे मिमिक्यू, तुमसे उम्मीद तो नहीं थी, बट उम्मीदों पे खरा उतरे हो तुम, मतलब उम्मीद क्या बोलूँ मैं यहाँ पे। उधर साइड भी एक केव है, मतलब हम उधर भी जा सकते थे, मे बी ये मेन एंट्रेंस ना हो यहाँ का। हाँ ये जगह काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ओके हमको क्या मिला, पर्पल नेक्टर, चलो। वैसे मैं इधर से ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे ऐसे, ओ माय गॉश। ओके मैं घूम गया भाई, ये एक्चुअली वही रास्ता है, ये एक्चुअली वही रास्ता है इधर से आने का। भूल भूलिया में फंस जाएंगे अगर हम ऐसा गंदा काम करेंगे तो, मेरे ख्याल से हमको आगे ही जाना है अभी के लिए। पॉइजन मैम, अच्छा ओके, मेमोरी लाइक वो सिल्वली को दे सकते हैं शायद से, या फिर हाँ उसी को दे सकते हैं ब्रो। ओके लेट्स सॉल्व दिस। टेंटर है, देखा तुम्हारे भाई प्रो है इन सब चीज़ों में। मतलब अब तो मैं हो ही गया हूँ यार, कुछ ना कुछ क्लिक करके बाहर तो आ ही जाते हैं हम कहीं से। क्या ही फ़र्क पड़ता है, चलो सेव कर लेते हैं हम लोग गेम को पहले। ओके दैट्स परफेक्ट, अब चलेंगे हम आगे। क्या भैया जी आप भी रास्ता रोक लेते हो हमारा? ए, ये कौन सा टाइपिंग है? आइस है ना, दोनों आइस है वैसे, स्टील एंड आइस है क्या? पता नहीं चल रहा मेरे को, शायद से स्टील एंड आइस होगा तो मुर्गेसुर तो काम कर देगा। प्लीज ट्राई बचाओ के ब्लेस के क्लिट स्वीट। ओके नॉइस, बच गया ये, वो डर था इसी बात का कि हार ना जाए। स्काई अपर कट इसी बुक करके करते हम। ओके दे वी हैव इट मैन, बहुत ही अच्छे। माय गॉश एक और स्काई अपर कट भी कर सकते हैं, ब्लेस किक भी कर सकते हैं, ब्लेस किक की एक्यूरेसी ज़्यादा है ना, आई गेस ब्लेस किक ज़्यादा एक भरोसेमंद है। यहाँ पर पीपी अभी ख़त्म होने वाला है उसका, हॉर्स पावर, बैट रेंटरम का 75 का डैमेज है, हॉर्स पावर का 95 का डैमेज है। हॉर्स पावर मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, तो मतलब अगर मेरा पिछला मूव मिस हुआ होगा फिर फेल हुआ होगा तो इसका डबल हो जाता था पावर, ऐसा इसका है। बट फिर भी हॉर्स पावर ज़्यादा है, मतलब हमेशा थोड़ा ना मेरा मूव फेंट ही हो जाएगा फिर फेल करवा दूंगा मैं, इससे अच्छा मैं दो मूव ना कर लूँ जो मैं मूव जानबूझ के फेल कराऊंगा। ओह माय गॉश वेयर वी आर, क्या तुम सही में सोच रहे थे कि तुम लीडर को रोक दोगे? मैं हूँ इज़ैक, वो पुजारी जो इस दुनिया में आया है ताकि वो एस्केरेट पोकेमन के पावर को रिलीज कर दे। एक्चुअली सैक्रेड है मैम, ऐसा एस्केरेट क्यों बोलता हूँ मेरे को खुद नहीं पता।
मुझे हंसाओ मत। ओह माय गॉड, अच्छा ये तो वही लीडर है। अच्छा क्या ये किडनैप नहीं हुई थी? ये इसको रोकने के लिए आई थी ऐसा? मैं तुम जैसे डेस्परेबल से कभी नहीं मिली इज़ैक। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम और तुम्हारी गैंग कैसे मैनेज कर पाए यहाँ पे आने का। ये प्लेस 24 घंटे दिन के प्रोटेक्टर रहता है, तो यहाँ पे कोई आ नहीं सकता। यहाँ पे काफ़ी क्रेजी पीपुल्स है जो कि इस मैन्यूस्क्रिप्ट को देखने के लिए आते हैं, और ऐसा देख के लगता है कि तुम इस बिल को फिट कर रहे हो क्या? मेरी ड्यूटी मेरे को यहाँ तक खींच के लाई। उस टाइम से जब मैं अपने मम्मी के पेट में था, मैं जानता था। क्या जानता था? वो तो मैंने स्किप कर दिया। और इसलिए मैंने ये सेक्ट क्रिएट किया काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ, ताकि मैं अपने गोल तक पहुँच सकूँ। और देखो मैं कहाँ पे हूँ। मैं किसी भी पर्सन को अपने रास्ते में आने नहीं दूंगा। रुको, तुम हिस्ट्री को चेंज करके ऐसे भाग नहीं सकते। मैं चाह रही हूँ अथॉरिटीज को बोलने के लिए जो कि तुमको अरेस्ट करेंगे। आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा होने दूंगा। मेरे पास काफी सारे ट्रिक्स भरे पड़े हैं मेरे स्लीव्स तक। मतलब वो समझ रहे हो तुम, पूरे कपड़ों में ऐसा, मतलब कहने की बात ही है, उसके पास काफी सारे ट्रिक्स हैं उसको रोकने के लिए। ग्लेली, इस बकबक करने वाली औरत पे आइस बीम यूज करो। अरे भाई 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 भाई, अबे जमा दिया। व्हाट? तुमको क्या लगा तुम मुझे बीट कर सकती हो? नहीं, तुम नहीं कर सकती। पुअर थिंग। अब मैं अपना रिसर्च कंटिन्यू रखूंगा। वापस आओ ग्लेली। ओह माय गॉश, ये क्या गंदी चीज हो रही है यहाँ पे। लेट्स सेव द गेम फर्स्ट गाइस, हमको जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो रेगी आइस या रेजी आइस जो भी है उसकी स्टैचू बनी पड़ी है यहाँ पे। ओके, अब इसको मैं कैसे हराऊं सैबलाई को? ओह माय गॉश, मेरे सारे पोकेमोन का भी तो यही हाल पर है भाई, गंदा हाल हो रखा है इन सब का। फाउल प्ले। देखो भाई, जितना मैं मैच को आगे ले जाऊंगा मेरे को उतना ही डर लगेगा। एक और अर्थक्वेक। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मिमिक क्यों देख लेगा अब तो। शैडो क्लो, डर के मारे किया मैंने। मेरे को एक्चुअली शैडो स्नीक करना चाहिए था वहाँ पे, बट मेरे को लगा कि नहीं हारेगा वो एक मूव में ऐसे। अरे भाई, यहाँ पे अब बद से बदतर सिचुएशन हो रहा है। ये तो एक आइस थी पोकेमन आ गया, उसके साथ ये गोस्ट भी है, तो वो प्रॉब्लम देता थोड़ा सा। वैसे मेरे मोटा भाई के पास थिक फैट है, तो आइस टाइप का असर हम पे होगा नहीं, और गोस्ट टाइप का नॉर्मल पे असर होता नहीं, इसलिए मैं बस लाया था इसको। बाकी अभी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस पोकेमन के पास गोस्ट एंड ग्रास की एबिलिटी है, और ये कुछ भी खतरनाक कर सकता है यहाँ पे। परिंदा भी फिंटेड है मेरा। मुर्गी सुर को मैं लाना नहीं चाहता, उसका एचपी बहुत कम है यार। ट्रैकोजोल्ट, अबे तू बस मालपुआ खाएगा। कांड कर कुछ। लेट्स डू इट। हम लोग को अपना ट्रिक आजमाना पड़ेगा थोड़ा सा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। नहीं, अब क्या करें हम? अब तो एक ही चारा है भाई। मैं क्यों, तेरा ही सहारा है। डिस्कस काम किया ना। मेरे को पता था डिस्कस बचा लेगा थोड़ी देर के लिए। ओह माय गॉश, अब सीरियसली लेना पड़ेगा थोड़ा सा बैटल को। हम लोग करते क्या रहा हूँ, मुर्गी सुर को ले आते हैं आगे। कुछ भी है हील करने के लिए, थोड़ा सा भी हील करने के लिए। उसको बस काम चलाने लाइक एचपी चाहिए मेरे ख्याल से, उसके बाद वो खुद ही कर लेगा। और मेरे पास 4 सुपर पोशन है, तो भाई ज़्यादा क्या टेंशन लेने का। बस बस बस, एक बाद के लिए बचा के रखते हैं, पता नहीं कुछ खराबी आ जाए, बीच पे बैटल में दिक्कत हो जाए। भाई अभी तक इनको नर्जॉय तो देनी चाहिए थी यार, काफ़ी देर हो गई जब से नर्जॉय हमको मिली नहीं। इसका यहाँ पर ठीक करते हैं। ओ नो, उस पर इफेक्टिव हिच नहीं था ब्रो। अब क्या करें, उसका मूव भी आने वाला है यार, फैंटम फोर्स। ओ माय गॉश, ब्लेज क्विक कर लेते हैं। मेरे को लगा यार वो गोस्ट टाइप है, मैं फाइटिंग टाइप क्यों कर रहा हूँ? मेरे को फर्स्टली लगा कि वो डार्क टाइप है, इसलिए मैंने बस किया। ओके, लेट मी सी, मैंने गेम सेव नहीं किया एंड में। द ग्रेटेस्ट पावर, द टेम्पल इन द डिस्टिंक्ट टैलेंट इज हिडन, सेफ एंड इनवायलेबल, बट टू अ ग्रेटर वर्च्यू इट इज नेसेसरी टू अरोज एंड कंबाइन द पावर ऑफ एक्स एंड द पावर ऑफ वाई। पावर ऑफ जर्नियस एंड वाइवल्टर। वाइवल्टर ऑलरेडी इसने पकड़ रखा है, एक्स एंड वाई से तो हम समझ ही जाते हैं यार, कितनी बार गेम खेल रखा है वो जो कि वो पावर पोजेस करता है, will be the new god of this world. Fascinating, na? So therein lies the hidden secret about the power of a secret Pokemon.
मैं अपने फॉलोअर्स को गैदर करूंगा और इमीडिएटली उनको ऑर्डर करूंगा ताकि वो ऑब्टेन कर सके मिसिंग क्रिएचर को मेरे लिए, और ये काफ़ी अमेजिंग होगा। माय गॉश, ओके, नहीं मैं सेव नहीं कर सकता गेम को। तुम फिर से, तुम सही में काफ़ी प्रसिस्टेंट हो क्या? लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, मैंने ऑलरेडी ये मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रखा है, यहाँ पे कुछ और नहीं है जो कि तुम कर सकते हो। तुम जल्दी ही वो मुझसे सुनोगे। Now let me go. Do you want to attack? मेरी टीम की हालत एक्चुअली खराब है। I don't wish. जाओ भाई, तेरे को हरा भी दिया तो वही होगा। ऐसा बात नहीं, मैं डर गया, मैं मौका दे रहा हूँ उसको, दुनिया को तुम खत्म करो, मैं आखिरी मतलब आखिरी टाइम पर तुमको रोकूंगा। मैं अटैक करने के लायक में नहीं था भाई। ओके, नेवर माइंड, गुस्सा मत हो जाना। अब मुझको कैसे पता चलेगा तुम गुस्सा नहीं हुए? चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, मतलब तुम गुस्सा नहीं हुए। भाई ऐसे चीज़ों पे गुस्सा नहीं किया जाता, तुम समझ रहे हो ना, कंडीशन देख के लड़ाई किया जाता है। लीडर लॉरिना इज फ्रोजन, यू नीड अ पोशन टू डिफ्रोस्ट हर। अब इसको पिघलाने के लिए मुझे एक पोशन चाहिए, हद है भाई, अब पोशन मैं कहाँ से लाऊँ? पता नहीं। अच्छा, किसी ने मुझे बताया था, एक दादी अम्मा से हमने बात किया था ना, आई गेस वो कुछ गर्म वाला चीज़ का बात कर रही थी, उस चीज़ का हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है अभी। लेट मी सी कि कहाँ पे हमको वो मिलता है। ओके, देयर सी इज। तुम थोड़ी तोफिदा में लग रही हो, क्या तुम हो क्या? मैं उसको उस पोशन से पिघला सकती हूँ, तुम्हें उसको चाहिए क्या? तुमको बस मुझे राइट इन्ग्रीडियंट्स ला के देने पड़ेंगे। क्या तुम्हारे पास ये इन्ग्रीडियंट्स हैं? येस, आई डोंट नो, सॉरी यू डोंट हैव द इन्ग्रीडियंट। क्या चाहिए मेरे को एक्चुअली? ओके, अभी मेरे को गुप्त सूत्रों से पता चला है कि हमको क्या करना है। दैट वॉज डिफिकल्ट मैन। लगता है जब हमने इनसे पिछली बार बात किया होगा ना, तब इन्होंने कुछ आइटम्स बताए थे और वो आइटम्स हमको अभी चाहिए। तो हमको चाहिए क्या क्या पहले हम वो देख लेते हैं। पहले तो हम बैरी पाउच में चले जाते हैं अपने, और यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास ये एस्पर बैरी है। एस्पर बैरी को कुछ चाहिए होंगे, 5 के करीब मे बी, पता नहीं कितना, बट चाहिए तुमको 5 तो कम से कम रख लेना। उसके बाद हमको आई गेस मेडिसिन में जाना है, बाई करना है यहाँ से, और एक आइस हील लेना है जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, बहुत ही अच्छे, और एक रिवाइव लेना है, बहुत ही अच्छे। पता नहीं उस मोहतरमा को कैसे रिवाइव करेंगे, बट इधर से हम पैक कर लेते हैं। अच्छा, इधर आइटम में क्या मिलता है यहाँ पर? अच्छा, ये सारी चीज़ें मिलती है। अल्ट्रा बॉल मिलने लगे ना, थोड़े से अल्ट्रा बॉल भी ले लेते हैं यार, काम आएंगे आगे जाके। टाइमर बॉल और सुपर रिपल, मैं मैक्स रिपल सीधा ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेंगे, 3 के करीब। अभी तो वैसे यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास तो रहता ही नहीं था गेम में। मैंने आधी बात तुमको बताई थी। चलो ठीक है, अभी के लिए हम लोग चलते हैं दादी माँ के पास, और मेरे ख्याल से अभी ये हमको दे देगी वो चीज़। ओके, ये सारे आइटम्स तुम रखना अपने पास। ओके, नाउ जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, और हमारा पोशन बन के तैयार हो चुका है भाई। चलो यार सही है, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि पिछले बार उन्होंने वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह ही बनाए थे। देख रहे हो कहाँ से क्या चला जाता है, भटक भी जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे चैट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल के लिए मैं वहाँ पे पहुँच के तुमसे मिलता हूँ। ओके, वी आर हेयर, और अभी हम लोग ये फ्रोस्ट पोशन यूज़ कर लेते हैं। क्या, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? सब भूल गई क्या ये? आई मीन मेरे को लगा कि वह फ्रोज होके सब देख रही होगी, मतलब इसके सेंसेस भी चले गए थे उस वक्त। ओके, क्या वो बिजाइड फ्रोज करके भाग गया? मुझे कितना डरपोक है वो इजैक गाय। एक्चुअली हमने उसको भागने दिया, डरपोक तो इसको हमको बोलना चाहिए था। इससे बुरा क्या ही हो सकता था, उसने वो मैन्यूस्क्रिप्ट ही पढ़ लिया। अब उसको पता है ये सीक्रेट ट्रू पावर ऑफ दिस पोकेमन। नाउ अब क्या करें हम? अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इन्वेस्टिगेट करते रहे ताकि हम ये मेक श्योर कर पाए कि वो उन दोनों प्रोविंशियल पावर को हासिल ना कर सके। एक्चुअली एक तो उसके पास ऑलरेडी है, मतलब आई डोंट नो वेयर टू फाइंड द पावर ऑफ एक्स, मतलब ज़ूरिडियस कहाँ पे है ये इसको पता नहीं है, और वाई वेल्टर उसके ऑलरेडी पास है ही, और उसको खुद पता है कि ज़ूरिडियस कहाँ पे है। बहुत बड़े एडवांटेज में है भैया वो। मे बी यू कैन गेट सम इन्फॉर्मेशन इन द सिटी ऑफ पैम्पमो जो भी था वो। नाउ विल गो बैक टू द जिम। ओके, तो ये मोहतरमा तो जिम की ओर गई है, और
हमको जाना है उस सिटी में। मेरे पास एस्केप रोप है क्या भाई? एंड नहीं है मेरे पास, मेरे को पूरा चल के जाना पड़ेगा फिर से। चलो गाइस मिलता हूँ मैं तुमसे फिर से वहाँ पे पहुँचने के बाद। ओके आ चुके हैं हम लोग सिटी में, अब बिना कुछ सोचे समझे हम लोग जाएंगे जिम में, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक आइस टाइप जिम है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो भी सकता है, बट मेरे को लगता है ना हमारा मोटा भाई और हमारा मुर्गी सुर ये दोनों मिलके भाई इन जिम को हराने के लिए काफ़ी रहना चाहिए, क्योंकि एक तो फायर टाइप काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आइस पे, और इन केस अगर वो वाटर एंड आइस निकला तब तो यू नो। अच्छा एक मिनट, पहले तो हमको यहाँ से ले लेना है अपना इस फ्रेश वाटर, फ्री का माल छोड़ा नहीं जाता कहीं पर भी। चलो व्हाट यू वांट हियर, मैं लड़ाई करने आया हूँ दो दो हाथ करने आया हूँ बस। ये ला भाई फायर टाइप मूव, उनके स्पीड ज़्यादा है एक्चुअली मेरे से। कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है कि बर्फ में स्पीड उसका ज़्यादा हो गया हो। माय गॉश, लो भाई एक और। अरे ये क्या गंदी बात होती है भला, स्पीड भी ज़्यादा, अब हम क्या करें भाई, स्लैश करके हरा दिया मेरे को। कोई बात नहीं, वो डार्क टाइप है ना। लेट्स यूज कीचर बल, अर्थक्वेक कर लेते हैं हम लोग, हील करवा के आता हूँ। उतना भी आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो, बट उतना हार्ड भी नहीं होगा स्लैम नहीं सिखाना मेरे को। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूम। यहाँ पे ये बर्फबारी क्यों हो रही है? माय गॉश, अरे ये मैं जाल में की, ये क्या, अरे भाई ये क्या गड्ढे हैं यहाँ पे, पहले तो नहीं थे। ला भाई ये क्या मुसीबत है, ये इतने सारे गड्ढे हैं यहाँ पे। माय गॉश ला जाओ तो जाओ किधर से, मैं मेरे को लगता है हमको यही वाला पाथ लेना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा सेफ यही है। कहीं और जाएंगे तो हम गिरे पड़ेंगे भाई, इससे अच्छा है कि बैटल करते हुए चल जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमको। मेरा पीपी ख़त्म ना हो जाए यहाँ पे, वही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नीचे से मेरे को लगता है वो होगा ही, ऑफकोर्स मैन इधर से ही रुक सकता था। सील है ना, पक्का वाटर टाइप मूव करेगा, मेरे को पता था यार, पता था यार कुछ ना कुछ तो ऐसा होने ही वाला था। उसके लिए हमारा मोटा भाई तगड़ा अपना बचा के रखा था मैंने। स्पाइस टाइप मूव इफेक्टिव नहीं है, उसका फ़ायदा मिलेगा, पहले तो हम ये कर लेते हैं। हॉर्स पावर, इसका चेहरा ही टूट गया भाई, मतलब इसका भी वो डिस्कस की तरह एबिलिटी है फेस वाला। ओह माय गॉश, ऐसे कैसे जीतेंगे हम, कैसे काम चलेगा? चलो ये थोड़ा दिखा देगा काम, फुल रिस्टोर से कितना काम चलाओगे तुम। ये लो भाई, ओह माय गॉश रखा हुआ है इसने भाई, कितना कितना पोकेमन है, माल प्रैक्टिसेस कर रहा है पहले मैं पढ़ता था यार एसएसटी में माल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस मतलब वही गंदे प्रैक्टिसेस जो भी है तुम समझ ही रहे होगे अगर तुम क्लास में होगे तो हम लोग इसका कुछ और ही मीनिंग लेते थे, पर चलो ठीक है। मेरे को लगा था भाई अगर मैं सीधा चलूँ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा वो भी सकती है, मेरे को लग रहा था। इधर नहीं जाके हमको इधर जाना है, और उधर ही जाना पड़ेगा ना। अरे नहीं गड़बड़ हो गया, माय गॉश अब मेरे को इधर जाना पड़ रहेगा, इधर जाना पड़ रहेगा, ऊपर से उधर जाएंगे तो ख़त्म है भाई, इधर गिरेंगे हम। बच गए अरे नहीं इधर तो ये पत्थर है, एक बार आगे जाके मेरे को, अरे यार नीचे से भी तो प्रॉब्लम ही है ब्रो। मेरे ख्याल से आगे से तो हम जा नहीं सकते, उधर से जाना है उस पत्थर से, पीछे साइड से वहाँ पे साइड से गिर जाएंगे हम अगर वैसा हुआ तो। मेरे को ही पता है मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा होगा तुमको मे बी। ओके मैं आई गेस मैं समझ चुका हूँ थोड़ा सा, तो अगर मैं इधर से ऐसे जाऊँ, इधर से ऐसे जाऊँ, इधर से ऐसे, तो इधर से ऐसे। ओ माय गॉश क्या परो लेवल का बंदा हूँ मैं। चलिए मैं गेम ही सेव कर लेता हूँ, पहले गिरूँगा तो बाद में देखा जाएगा। लगा था मेरे को ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो मैं रीसेट ही कर लूँगा यार, क्यों ना। देख रहे हो दिमाग बहुत है अपने पास, बस इस्तेमाल कम करते हैं हम। ओके ओ बच गए। ओके जहाँ पे तेरा रास्ता नहीं खुलेगा ना, जहाँ पे जाना डिफिकल्ट होगा वही तुम्हारा रास्ता होगा, तो पहले तो हम इधर चलते हैं। ओके सही जा रहा हूँ मैं क्या, लगता तो नहीं है मेरे को।
उधर से हम गिरेंगे भाई। इधर अगर मैं तीसरे पे चलूं, मेरे को एक्चुअली जाना है इधर से, इसके बीच से। अरे यार ये क्या हो गया, फंस गया मैं तो। उसके बीच से जाना है मेरे को, तो मेरे को कुछ इस पत्थर के ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मैं कितना कितना दिमागदार हूँ, वही बोलते हैं ना। ओके व्हाट अभी मैंने सेव नहीं कर रखा होता था खत्म भाई, खत्म हो जाता मेरा यहाँ पे जर्नी। बट चलो ठीक है भाई, मैम साइन है इसके पास, मैं इसका ये ऊपर कट भी कर सकता हूँ आई गेस भाई। मिस हो गया, ले भाई उफ, क्या ही प्रॉब्लम है भाई, सर्फ ले तू बेसरम। मैम साइन कहीं का एक पोकेमॉन हरवा दिया तूने मेरा, ये ले अभी भी तू नहीं सुधरा तो ये ले पावर। ओह पावर अप फिर से इतना ज़्यादा डैमेज कर गया, उम्मीद तो नहीं कर रहा था मैं। बट चलो ठीक है, जो भी है, अपुन को क्या है, अपुन को जीतने से मतलब है। ऊट पटांग रास्ते ना चल रोहन। हाँ मैं आ तो गया, बट मेरे को फिर से हील करवाने जाना पड़ेगा, तो मैं हील करवा के आता हूँ। अच्छा एक बार तुम उस चीज़ को पार कर लो ना, तो तुमको गड्ढे दिखने लगते हैं यार, कि गड्ढे हैं कहाँ पर। ये सही है, एंड हियर वी आर। चलो भाई गेम को सेव कर लिया जाए। अभी उसका मेन पोकेमॉन तुम देख ही सकते हो, गोस्ट है ना इसे, तो उसको भी बचा कर रखना पे मुर्गी सुर को। एंड लेट्स हैव अ बैटल मैन। हाँ हाँ ये बकवास चीज़ें बाद में करना, कि बर्फ़ से डर लगता है और ये वगैरह वगैरह चीज़ें, वो डायनामिक्स कर सकते हैं हम अभी। ओके हमारे पास जी मूव है, हम कर भी सकते हैं अभी, लेकिन बर्बाद नहीं करने का। ओके पहले तो मेरा स्पीड ज़्यादा होना चाहिए यार, पता नहीं मुर्गी सुर का स्पीड कम क्यों दिखा रहा हूँ। मेगा आईफॉल, नो एक ही बार मूव किया उसने, मेरे को लगा आई सर तीन चार बार करेगा। ओके नो प्रॉब्लम डारू माँ का तेरी लेने, कुछ नहीं भाई कुछ नहीं बोला मैंने क्या करूँ मैं, मेरे ख्याल से एक प्लेस किक पे चला जाता अगर मेरा स्पीड ज़्यादा होता तो। ओ माय गॉश अब मैं किसको लाऊं, चलो कीचर मल। ओ डायनामिक्स कर सकता हूँ ना मैं, मूव नहीं करना मेरे को, बी क्यू क्लिक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे डायनामिक्स और मैक्स मूव यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ये ला भाई, अरे हारा नहीं, अच्छा वो बैली ड्रम कर रहा था मे बी। चलो ये भी सही है, ये भी सही है क्या, अच्छा मैक्स रॉकफॉल यहाँ पे इफेक्टिव है, तो ये ले भाई क्यों नहीं। उसका भी डायनामिक्स पोकन बाकी है ब्रो, वो भी देख के मैक्स रॉकफॉल ही करते हैं। ये ले, ओ फ्लोग्रेस चला गया उसको, जिंक्स रखे हुए है ये। ओके ओके इसको डायनामिक्स किया जा रहा है यहाँ पे, मैक्स माइंड इज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, अरे ये तो एक बार भी चला गया, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया भाओ। आई रियली लाइक्ड व्हाट आई सॉ आई लो। ओके यू हैव आउटडन योरसेल्फ फेसिंग दिस चैलेंज, फॉर डिफीटिंग मी यू हैव अर्नड अ फ्रॉस्ट बैच, नाइस। ओके गाइस हमको आइस बीम भी मिला, ICMZ भी मिला, और ये हमको पता ही है। योर नेक्स्ट स्टेप इज टू विजिट द सिटी पॉम्पैनो। पॉम्पैनो वैसे हम कैपरी सिटी को हरा दिए ना, तो हम वो भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं अपना मैप खोलूं, तो आई गेस यहाँ पे सोलरासिस सिटी में एक क्या बोलते हैं उसको, जिम लीडर था ना वाटर टाइप वाला, उसको भी हरा सकते हैं। ड्राकोजोल को थोड़ा ट्रेन करने की ज़रूरत है, जो कि मैं कर दूंगा ऑफलाइन में। ओ व्हाट इज़ दिस, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन डिफीटिंग अवर लीडर लॉरेना, आई सॉ यू बैटलिंग ऑन द टीवी अगेंस्ट हर, अच्छा आई थॉट यू वर रियली अमेजिंग यू नो, हैज़ अ थैंक्स फॉर योर एंटरटेनिंग मी। अच्छा ये तो वही अंकल थे ना जो बोल रहे थे अगर ये सब मंत्र बोलोगे तो मैजिक होगा कुछ, आई विल गिव यू समथिंग प्रिटी स्पेशल टेक इट। एस्कल रैलिक व्हाट, ये क्या चीज़ है, दिस फीचर विल अलाउ यू टू यूज द टेलीपोर्टेशन पोर्टल। ओ ओके जस्ट स्टेप ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पोर्टल विल एक्टिवेट। माय गॉड जादुई तांत्रिक वाली चीज़ें यहाँ पे कुछ हो रही है वॉइस। ऑल यू हैव टू डू इज चूज वेयर यू वॉन्ट टू गो एंड शीस यू विल टेलीपोर्ट अवे, डू यू लाइक इट, ऑफकोर्स मैन। अब मेरे को भाई इतना ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा टेलीपोर्ट करेंगे हम।
आई होप यू कीप बैटलिंग अमेजिंगली लाइक दिस. आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ योर बैटल्स ऑन टीवी. मेरे बैटल्स टीवी पे भी चलते थे, मेरे को पता ही नहीं था, अभी पता चला मेरे को. मेरे साथ ना इंसाफी तो नहीं हुई है. मेरे को पता है यार, क्या ये चीटिंग है वैसे. वहाँ पीला कलर का क्या है ब्रो, लाइट लगा हुआ है. छोड़ो भाई, नीचे चल के हम लोग पोकेमॉन हील करवा लेते पहले, फिर हम लोग चलेंगे वो तांत्रिक वाली जगह पे. मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे ये लोग टेलीपोर्ट करते हैं. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ब्लू कलर का कुछ लाइट जलेगा और हम टेलीपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इस जगह पे ब्लू कलर का ही लाइट जलता है. मेरे को उसमें याद है ना, पोकेमॉन एडवेंचर्स रेड चैप्टर में उसमें भी ऐसे ब्लू कलर का ही कुछ था. रैलिक वगैरह में ज़्यादातर ब्लू और रेड होता है. ओके, डू यू वॉन्ट टू टेलीपोर्ट. थोड़ा सा लाइक वियर टाइप का है, मतलब वो स्कल वगैरह रखो, जादू तांत्रिक वाली चीज़ है. बट नेवर माइंड, सोलरासिस सिटी में नहीं था आई गेस. कैपरी इसमें तो जा ही नहीं सकते हम, क्योंकि ऑलराइट हम वहाँ पे गए ही नहीं कभी. कोर्थल सिटी में जाना था मेरे को. किधर जाना था यार, स्टार बोर्ड सिटी में जाना था मेरे को. हाँ, स्टार बोर्ड सिटी में जाना. ओके, यही है ना स्टार बोर्ड? नहीं नहीं, ये नहीं है. हाँ, यही है. यहीं पे था वाटर टाइप जिम था. और बट चलो ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में जाके उस वाटर टाइप जिम लीडर को हराएंगे और फर्दर आगे बढ़ के देखेंगे. बाय द वे, अगर तुमको वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी सारे वीडियोस लाते हैं. और इसके एपिसोड्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए तुम कर सकते हो बाय द वे यहाँ तक देखने के लिए. अरे आता